सच्चाई का उपहार मुंशी प्रेमचंद। तहसीली मदरसा बरांव के प्रथमाध्यापक मुंशी भवानी सहायक को बागवानी का कुछ व्यसन था। क्यारियों में भांति भांति के फूल और पत्तियां लगा रख थी, दरवाजों पर लताएं चढ़ा दी थी। इससे मदरसे की शोभा अधिक हो गई थी। वह मिडिल कक्षा के लड़कों से भी अपने बगीचे के सींचने और साफ करने में मदद लिया करते थे। अधिकांश लड़के इस काम को रुचिपूर्वक करते, इससे उनका मनोरंजन होता था। किंतु दर्जे में 4-5 लड़के जमींदारों के थे। उनमें ऐसी दुर्जनता थी कि यह मनोरंजक कार्य भी उन्हें बेगार प्रतीत होता। उन्होंने बाल्यकाल से आलस्य में जीवन व्यतीत किया था। अमीरी का झूठा अभिमान दिल में भरा हुआ था। वह हाथ से कोई काम करना निंदा की बात समझते थे। उन्हें इस बगीचे से घृणा थी। जब उनके काम करने की बारी आती तो कोई न कोई बहाना करके उड़ जाते। इतना ही नहीं, दूसरे लड़कों को बहकाते और कहते, वाह पढ़े फारसी, बेचे तेल, यदि खुरपी कुदाल ही करना है तो मदरसे में किताबों से सिर मारने की क्या जरूरत। यहाँ पढ़ने आते हैं, कुछ मजूरी करने नहीं आते। मुंशी जी इस अवज्ञा के लिए हूँ नहीं, कभी कभी दंड दे देते थे। इससे उनका द्वेष और भी बढ़ता था। अंत में यहाँ तक नौबत पहुंची कि एक दिन उन लड़कों ने सलाह करके उस पुष्पवाटिका को विध्वंस करने का निश्चय किया। 10 बजे मदरसा लगता था, किंतु सदिन वह 8 बजे ही आ गए और बगीचे में घुसकर उसे उजाड़ने लगे। कहीं पौधे उखाड़ फेंके, कहीं क्यारियों को रौंद डाला, पानी की नीलियां तोड़ डाली, क्यारियों की मेड़े खोद डाली। मारे भय के छाती धड़क रही थी कि कहीं कोई देखता न हो। लेकिन एक छोटी सी फुलवाड़ी के उजड़ते कितनी देर लगती है, 10 मिनट में हरा भरा बाग नष्ट हो गया। तब यह लड़के शीघ्रता से निकले, लेकिन दरवाजे तक आए थे कि उन्हें अपने सहपाठी की सूरत दिखाई दी। यह एक दुबला पतला दरिद्र और चतुर लड़का था। उसका नाम बाज बहादुर था। बड़ा गंभीर शांत लड़का था। उधम पार्टी के लड़के उससे जलते थे। उसे देखते ही उनका रक्त सूख गया। विश्वास हो गया कि इसने जरूर देख ला। यह मुंशी जी से कहे बिना न रहेगा, बुरे फंसे, आज कुशल नहीं है। यह राक्षस इस समय यहाँ क्या करने आया था। आपस में इशारे हुए कि मिला लेना चाहिए। जगत सिंह उनका मुखिया था, आगे बढ़कर बोला, आज इतने सवेरे कैसे आ गए। हमने तो आज तुम लोगों के गले की फांसी छुड़ा दी। लाला बहुत दिक किया करते थे, यह करो वह करो, मगर यार देखो कहीं मुंशी जी से जड़ मत देना, नहीं तो लेने के देने पर जाएंगे। जयराम ने कहा, कह क्या देंगे, अपने ही तो हैं। हमने जो कुछ किया है वह सबके लिए किया है, केवल अपनी ही भलाई के लिए नहीं। चलो यार, तुम्हें बाजार की सैर करा दें, मुंह मीठा करा दें। बाज बहादुर ने कहा, नहीं, मुझे आज घर पर पाठ याद करने का अवकाश नहीं मिला, यहीं बैठकर पढ़ूंगा। जगत सिंह, अच्छा मुंशी जी से कहोगे तो ना। बाज बहादुर, मैं स्वयं कुछ न कहूंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा तो। जगत सिंह, कह देना, मुझे नहीं मालूम। बाज बहादुर, यह झूठ मुझसे न बोला जाएगा। जयराम, अगर तुमने चुगली खाई और हमारे ऊपर मार पड़ी तो हम तुम्हें पीटे बिना न छोड़ेंगे। बाज बहादुर, हमने कह दिया कि चुगली न खाएंगे, लेकिन मुंशी जी ने पूछा तो झूठ भी न बोलेंगे। जयराम, तो हम तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ देंगे। बाज बहादुर, इसका तुम्हें अधिकार है। 10 बजे जब मदरसा लगा और मुंशी भवानी सहाय ने बाघ की यह दुर्दशा देखी तो क्रोध से आग हो गए। बाघ उजड़ने का इतना खेद न था जितना लड़कों की शराब रत का। यदि किसी सांड ने यह दुष्कृत्य किया होता तो वह केवल हाथ मलकर रह जाते, किंतु लड़कों के इस अत्याचार को सहन न कर सके। ज्यों ही लड़के दर्जे में बैठ गए, वह तेवर बदले हुए आए और पूछा, यह बाग किसने उजाड़ा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अपराधियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। मिडिल कक्षा के 25 विद्यार्थियों में कोई ऐसा न था जो इस घटना को न जानता हो, किंतु किसी में यह साहस न था कि उठकर साफ साफ कह दे। सबके सब सिर झुकाए मौन धारण किए बैठे थे। मुंशी जी का क्रोध और भी प्रचंड हुआ। चिल्ला कर बोले, मुझे विश्वास है कि यह तुम ही लोगों में से किसी की शरारत है। जिसे मालूम हो स्पष्ट कह दे, नहीं तो मैं एक सिरे से पीटना शुरू करूंगा। फिर कोई यह न कहे कि हम निरपराध मारे गए। एक लड़का भी न बोला। वही सन्नाटा। मुंशी जी, देवी प्रसाद तुम जानते हो। देवी जी, नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। शिवदत्त तुम जानते हो। जी नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है। बाज बहादुर खड़ा हो गया। उसके मुखमंडल पर वीरत्व का प्रकाश था, नेत्रों में साहस झलक रहा था। बोला, जी हाँ। मुंशी जी ने कहा, शाबाश। अपराधियों ने बाज बहादुर की ओर रक्तवर्ण आंखों से देखा और मन में कहा, अच्छा। भवानी सहाय बड़े धैर्यवान मनुष्य थे।
यथाशक्ति लड़कों को यातना नहीं देते थे, किंतु ऐसी दुष्टता का दंड देने में वह लेशमात्र भी दया न दिखाते थे। छड़ी मंगाकर पांचों अपराधियों को 10-10 छड़ियां लगाईं, सारे दिन बेंच पर खड़ा रखा और चाल चलन के रजिस्टर में उनके नाम के सामने काले चिन्ह बना दिए। बाजबहादुर से शरारत पार्टी वाले लड़के यूं ही जला करते थे। आज उसकी सच्चाई के कारण उसके खून के प्यासे हो गए। यंत्रणा में सहानुभूति पैदा करने की शक्ति होती है। इस समय दर्जे के अधिकांश लड़के अपराधियों के मित्र हो रहे थे। उनमें षड्यंत्र रचा जा ने लगा कि आज बाजबहादुर की खबर ली जाए। ऐसा मारो कि फिर मदरसे में मुंह न दिखाए। यह हमारे घर का भेदी है, दगाबाज, बड़ा सच्चे की दुम बना है। आज इस सच्चाई का हाल मालूम हो जाएगा। बेचारे बाजबहादुर को इस गुप्त तलीला की जरा भी खबर न थी। विद्रोहियों ने उसे अंधकार में रखने का पूरा यत्न किया था। छुट्टी होने के बाद बाजबहादुर घर की तरफ चला। रास्ते में एक अमरूद का बाग था। वहां जगत सिंह और जयराम कई लड़कों के साथ खड़े थे। बाजबहादुर चौंका, समझ गया कि यह लोग मुझे छेड़ने पर उतारू हैं। किंतु बचने का कोई उपाय न था। कुछ हिचकता हुआ आगे बढ़ा। जगत सिंह बोला, आओ लाला, बहुत राह दिखाई, आओ सच्चाई का इनाम लेते जाओ। बाजबहादुर, रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। जयराम, जरा सच्चाई का मजा तो चखते जाए। बाजबहादुर, मैंने तुमसे कह दिया कि जब मेरा नाम लेकर पूछेंगे तो मैं कह दूंगा। जयराम, हमने भी तो कह दिया था कि तुम्हें इस काम का इनाम दिए बिना न छोड़ेंगे। यह कहते ही वह बाजबहादुर की तरफ खूंसा तान कर बढ़ा। जगत सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़ने चाहे। जयराम का छोटा भाई शिवराम अमरूद की एक टहनी लेकर झपटा। शेष लड़के चारों तरफ खड़े होकर तमाशा देखने लगे। यह रिजर्व सेना थी जो आवश्यकता पड़ने पर मित्र दल की सहायता के लिए तैयार थी। बाजबहादुर दुर्बल लड़का था, उसकी मरम्मत करने को वह तीन मजबूत लड़के काफी थे। सब लोग यही समझ रहे थे कि क्षण भर में यह था नो उसे गिरा लेंगे। बाजबहादुर ने देखा कि शत्रुओं ने शस्त्र प्रहार करना शुरू कर दिया, तो उसने कंखियों से इधर उधर देखा। तब तेजी से झपटकर शिवराम के हाथ से अमरूद की टहनी छीन ली और दो कदम पीछे हटकर टहनी ताने हुए बोला, तुम मुझे सच्चाई का इनाम या सजा देने वाले कौन होते हो? दोनों ओर से दांव पिंच होने लगे। बाजबहादुर था तो कमजोर, पर अत्यंत चपल और सतर्क था। उस पर सत्य का विश्वास हृदय को और भी बलवान बनाए हुए था। सत्य चाहे सिर कटा दे, लेकिन कदम पीछे नहीं हटता। कई मिनट तक बाजबहादुर उछल उछल कर वार करता और हटाता रहा, लेकिन अमरूद की टहनी कहाँ तक थाम सकती। जरा देर में उसकी धज्जियां उड़ गईं। जब तक उसके हाथ में वह हरी तलवार रही, कोई उसके निकट आने की हिम्मत न करता था। निहत्था होने पर भी वह ठोकरों और घूंसों से जवाब देता रहा, मगर अंत में अधिक संख्या ने विजय पाई। बाजबहादुर की पसली में जयराम का एक घूंसा ऐसा पड़ा कि वह बेदम होकर गिर पड़ा। आंखें पथरा गईं और मूर्छा सी आ गई। शत्रुओं ने यह दशा देखी तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। समझे, इसकी जान निकल गई। बेतहाशा भागे। कोई 10 मिनट के पीछे बाजबहादुर सचेत हुआ। कलेजे पर चोट लग गई थी, घाव ओछा पड़ा था, जिस पर भी खड़े होने की शक्ति न थी। साहस करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चला। उधर यह विजय दल भागते भागते जयराम के मकान पर पहुंचा। रास्ते ही में सारा दल तितर बितर हो गया। कोई इधर से निकल भागा, कोई उधर से। कठिन समस्या आ पड़ी थी। जयराम के घर तक केवल 3 सुदृढ़ लड़के पहुंचे। वहां पहुंचकर उनकी जान में जान आई। जयराम, कहीं मर न गया हो, मेरा घूंसा खूब बैठ गया था। जगत सिंह, तू मैं पसली में नहीं मारना चाहिए था, अगर तिल्ली फट गई होगी तो न बचेगा। जयराम, यार मैंने जान के थोड़े ही मारा था, संयोग ही था, अब बताओ क्या किया जाए। जगत सिंह, करना क्या है, चुपचाप बैठे रहो। जयराम, कहीं मैं अकेला तो न फंसूंगा। जगत सिंह, अकेले कौन फंसेगा, सबके सब साथ चलेंगे। जयराम, अगर बाजबहादुर मरा नहीं है तो उठकर सीधे मुंशी जी के पास जाएगा। जगत सिंह और मुंशी जी कल हम लोगों की खाल अवश्य उधेड़ेंगे। जयराम, इसलिए मेरा सलाह है कि कल से मदरसे जाओ ही नहीं, नामकटा के दूसरी जगह चले चले, नहीं तो बीमारी का बहाना करके बैठे रहें। महीने 2 महीने के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो देखा जाएगा। शिवराम, और जो परीक्षा होने वाली है। जयराम, ओहो, इसका तो ख्याल ही न था, एक ही महीना तो और रह गया है। जगत सिंह, तुम्हें अब की जरूर वजीफा मिलता। जयराम, हाँ मैंने बहुत परिश्रम किया था। तो फिर? जगत सिंह, कुछ नहीं, तर्क तो हो ही जाएगी, वजीफे से हाथ धोना पड़ेगा। जयराम, बाजबहादुर के हाथ लग जाएगा। जगत सिंह, बहुत अच्छा होगा, बेचारे ने मार भी तो खाई है। दूसरे दिन मदरसा लगा।
जगत सिंह, जयराम और शिवराम तीनों गायब थे। वली मुहम्मद पैर में पट्टी बांध आए थे, लेकिन भय के मारे बुरा हाल था। कल के दर्शक भी थरथरा रहे थे कि कहीं हम लोग गेहूं के साथ खून की तरह न पिस जाएं। बाजबहादुर नियमानुसार अपने काम में लगा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि मानो उसे कल की बातें याद ही नहीं है। किसी से उनकी चर्चा न की। हाँ, आज वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल कुछ प्रसंचित देख पड़ता था। विशेषतः कल के योद्धाओं से वह अधिक हिला मिला हुआ था। वह चाहता था कि यह लोग मेरी ओर से निशंक हो जाएं। रात भर की विवेचना के पश्चात उसने यही निश्चय किया था और आज जब संध्या समय वह घर चला तो उसे अपनी उदारता का फल मिल चुका था। उसके शत्रु लज्जित थे और उसकी प्रशंसा करते थे, मगर यह तीनों अपराधी दूसरे दिन भी न आए, तीसरे दिन भी उनका कोई पता न था। वह घर से मदरसे को चलते लेकिन देहात की तरफ निकल जाते। वहां दिन भर किसी वृक्ष के नीचे बैठे रहते अथवा गुल्ली डंडे खेलते, शाम को घर चले आते। उन्होंने यह पता लगा लिया था कि समर के अन्य सभी योद्धागण मदरसे आते हैं और मुंशी जी उनसे कुछ नहीं बोलते, किंतु चित से शंका दूर न होती थी। बाजबहादुर ने जरूर कहा होगा, हम लोगों के जाने की देर है, गए और बेभाव की पड़ी। यही सोचकर मदरसे आने का साहस न कर सकते थे। चौथे दिन प्रातःकाल तीनों अपराधी बैठे सोच रहे थे कि आज किधर चलना चाहिए। इतने में बाजबहादुर आता हुआ दिखाई दिया। इन लोगों को आश्चर्य तो हुआ, परंतु उसे अपने द्वार पर आते देखकर कुछ आशा बंद गई। यह लोग अभी बोलने भी न पाए थे कि बाजबहादुर ने कहा, क्यों नहीं? तुम लोग मदरसे क्यों नहीं आते? तीन दिन से गैरहाजिरी हो रही है। जगत सिंह, मदरसे क्या जाया, जान भारी पड़ी है। मुंशी जी एक हड्डी भी तो न छोड़ेंगे। बाजबहादुर, क्यों? वली मुहम्मद, दुर्गा, सभी तो जाते हैं। मुंशी जी ने किसी से भी कुछ कहा? जयराम, तुमने उन लोगों को छोड़ दिया होगा, लेकिन हमें भला तुम क्यों छोड़ने लगे? तुमने एक एक की तीन तीन जड़ी होगी। बाजबहादुर, आज मदरसे चलकर इसकी परीक्षा ही कर लो। जगत सिंह, यह झांसे रहने दीजिए, हमें पिटवाने की चाल है। बाजबहादुर, तो मैं कहीं भागा तो नहीं जाता? उस दिन सच्चाई की सजा दी थी, आज झूठ का इनाम देना। जयराम, सच कहते हो, तुमने शिकायत नहीं की? बाजबहादुर, शिकायत की कौन बात थी? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। अगर तुम्हारा घूंसा न पड़ता तो मैं तुम लोगों को रणक्षेत्र से भगाकर दम लेता। आपस के झगड़ों की शिकायत करना मेरी आदत नहीं है। जगत सिंह, चलूं तो यार, लेकिन विश्वास नहीं आता, तुम हमें झांसे दे रहे हो, कचुमर निकलवा लोगे। बाजबहादुर, तुम जानते हो झूठ बोलने की मेरी बान नहीं है। यह शब्द बाजबहादुर ने ऐसी विश्वास उत्पादक रीति से कहे कि उन लोगों का भ्रम दूर हो गया। बाजबहादुर के चले जाने के पश्चात तीनों देर तक उसकी बातों की विवेचना करते रहो। हे, अंत में यही निश्चय हुआ कि आज चलना चाहिए। ठीक 10 बजे तीनों मित्र मदरसे पहुंच गए, किंतु चित में आशंकित थे, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुंशी जी कमरे में आए, लड़कों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने तीनों की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से गैर हाजिर हो। देखो, दर्जे में जो इम्तहानी सवाल हुए हैं उन्हें नकल कर लो। फिर पढ़ाने में मग्न हो गए। जब पानी पीने के लिए लड़कों को आध घंटे का अवकाश मिला तो तीनों मित्र और उनके सहयोगी जमा होकर बातें करने लगे। जयराम, हम तो जान पर खेलकर मदरसे से आए थे, मगर बाजबहादुर है बात का धनी। वली मुहम्मद, मुझे तो ऐसा मालूम होता है, वह आदमी नहीं देवता है। यह आंखों देखी बात न होती तो मुझे कभी इस पर विश्वास न आता। जगत सिंह, फलमनसी इसी को कहते हैं। हमसे बड़ी भूल हुई कि उसके साथ ऐसा अन्याय किया। दुर्गा, चलो उससे क्षमा मांगे। जयराम, हाँ तुम्हें खूब सूझी। आज ही जब मदरसा बंद हुआ तो दर्जे के सब लड़के मिलकर बाजबहादुर के पास गए। जगत सिंह उनका नेता बनकर बोला, भाई साहब, हम सबके सब तुम्हारे अपराधी हैं। तुम्हारे साथ हम लोगों ने जो अत्याचार किया है उस पर हम हृदय से लज्जित हैं। हमारा अपराध क्षमा करो, तुम सज्जनता की मूर्ति हो। हम लोग उजड़, गंवार और मूर्ख हैं, हमें अब क्षमा प्रदान करो। बाजबहादुर की आंखों में आंसू आए, बोला, मैं पहले भी तुम लोगों को अपना भाई समझता था और अब भी वही समझता हूँ। भाइयों के झगड़े में क्षमा कैसी? सबके सब उससे गले मिले। इसकी चर्चा सारे मदरसे में फैल गई। सारा मदरसा बाजबहादुर की पूजा करने लगा। वह अपने मदरसे का मुखिया, नेता और सिरमौर बन गया। पहले उसे सच्चाई का दंड मिला, अब की सच्चाई का उपहार मिला।